ये जो छात्र युवा हैं वो इको गार्डन से निकल के विधानसभा जा रहे थे, तो पुलिस ने इनको चारों तरफ से घेर लिया है, इनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये 1,20,000 युवाओं का जो है भविष्य दांव पे लगा हुआ है, कोई मीडिया यहाँ नहीं आई देखने, और यहाँ तक कि हमारे खबर को छापने से इनकार कर दिया। अभी यही कोई मंदिर या मस्जिद का बात होता तो बड़ी बड़ी मीडिया यहाँ कवर करने आ जाती है, आराम से आ जाती है। लगता है सबके सब बिके हुए हैं, कोई नजर नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा। आप देखिए रोजगार किसको दिया, कोई जाके बताए कि रोजगार हमें मिला है। आयोग पे कोई क्यों नहीं ध्यान देता है, आयोग पे सरकार क्यों नहीं ध्यान देता, हम यही पूछना चाहते हैं। दो दो तीन दिन गए सबके मंत्रियों, क्या दो दो तीन तीन दिन गए, हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन किया कि सर हमारी मांगे पूरी करो, सर हमारी बात को पहुँचा दो आयोग तक। देखिए प्रूफ है ये, इसको कोई नहीं झुठला सकता, इसको ये प्रूफ है। इसको रही बात मोदी जी की, तो हमने उनको तब भी जितवाया था, अब भी जितवाया है, तो हमें कौन सा, हमें कब जितवाएंगे, कहाँ मिल रहा रोजगार। ये तुम्हारे राज्य के बैठे हुए हैं, इनको रोजगार नहीं दे रहे हो, रोजगार के पुल बांधे जा रहे हो। अधीन सेवा चयन आयोग पे कभी निगाह उठा कर देखी योगी जी ने? देखिए 2021 की वैकेंसी पूरी हो गई, 2016 की वैकेंसी से पूरी नहीं हो पा रही है। नौकरी को लेकर लगातार जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ के इको गार्डन में देख सकते हैं, ये जो छात्र युवा हैं वो इको गार्डन से निकल के विधानसभा जा रहे थे, तो पुलिस ने इनको चारों तरफ से घेर लिया है, इनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या बात आ गई कि आप लोग इको गार्डन से बाहर निकल? हम लोग को आज 11वां दिन हो गया सर, हम लोग की बात कोई सुनने नहीं आया, ना आयोग का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हम लोग का जवाबदेही करने आया है, इसलिए हम लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। और हम लोग तब तक यहीं बैठे रहे जब तक कोई आएगा नहीं आयोग से जिम्मेदार कोई व्यक्ति हम लोग का जवाब देने। हम लोग यहीं लाठियां खाएंगे, मरेंगे जिएंगे, इसे पड़े रहेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। हम तो बार बार कह रहे हैं सर से कि आप अपनी बहन बेटियों पर लाठी चलाइए, हम खाने के लिए तैयार, हमारे पास खोने के लिए बचा ही क्या है, हम क्या खोएंगे, वैसे भी हम रोज मर रहे थे, एक दिन ही मर जाए ना। हम तो सर से बार बार कह रहे हैं सर लाठी चलाओ अपनी बहन बेटियों पे। लेकिन वहाँ होर्डिंगों में लिखा हुआ है रोजगार दिया है, रोजगार किसको दिया, कोई जाके बताए कि रोजगार हमें मिला है। आयोग पे कोई क्यों नहीं ध्यान देता है, आयोग पे सरकार क्यों नहीं ध्यान देता, हम यही पूछना चाहते हैं। हमको क्यों नहीं मिला रोजगार, हम 6 साल से कहाँ बैठे थे, क्या हमारे में काबिलियत की कमी है? आप पूछे क्या हम सब बिना काबिलियत के हैं? पीछे वाले सरकार के मंत्री कहते योग्य नहीं है युवा, इसलिए नहीं दिया पिछले। आप हमको मौका तो दो, आप हमारी काबिलियत चेक करने का मौका तो दो, पिछली सरकार की भर्ती तक अभी पूरी नहीं की जा सकती है, तो हम क्या ही कहें उसके बारे में, बताइए। योगी जी लगातार रोजगार दे रहे हैं, लगातार रोजगार दे रहे हैं, अभी आज उनका दिखाऊं मैं आपको फोन में, 1 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, दूसरे राज्यों के लोगों को आके रोजगार मिलेगा ये बोल रहे हैं। ये कहाँ मिल रहा रोजगार, ये तुम्हारे राज्य के बैठे हुए हैं, इनको रोजगार नहीं दे रहे हो, रोजगार के पुल बांधे जा रहे हो। अधीन सेवा चयन आयोग पे कभी निगाह उठा कर देखी योगी जी ने कि वहाँ क्या चल रहा है? पिछले 5 साल है, 2016 वैकेंसी पेंडिंग है, वो क्या, वो रोजगार नहीं है, वो क्या है? 2016 जूनियर असिस्टेंट का पेपर, अभी इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया 3 महीने पहले। आज जो है शांति पूर्वक आप बैठे हुए थे, अचानक से आप विधानसभा कूच करने के लिए क्यों सोच रहे हैं? 12 दिन से बैठे हुए, कौन पूछने आ रहा है हमें, हम यही बैठे रहेंगे, हम कब क्या करेंगे, सरकार हमें कब सुनेगी? सरकार ने योगी जी जनता दरबार लगा रहे हैं, जनता दरबार है वहाँ पर, मैंने एक एक ऑफिस में मैंने अपना जो है ज्ञापन दिया कि हमारी कोई सुन ले, जनता दरबार में दिया, दुनिया भर के ज्ञापन में। सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ मैं, मैडम और ये भैया, सुबह 6 बजे निकलते हैं हम लोग, सोते हैं तो साला ये ज्ञापन देना हमारे दिमाग चलता है, उठते हैं तो हमारा ज्ञापन देना चलता है। सरकार में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके दरवाजे पे हम पहुंच करके अपना ज्ञापन ना दिया, उनसे रिक्वेस्ट ना किया कि सर किसी कोई सरकार का आदमी नहीं जिसके ज्ञापन ना दिया हमने। मोदी जी मन की बात करते हैं, उसमें से सुनिए कुछ ना कुछ तो ज्ञान की बात आपके लिए। ज्ञान हमारे ज्ञान की, हमारी ज्ञान की जय है कि हमारा रिजल्ट आ जाए, ये हमारे लिए ज्ञान की बात होगी। रही बात मोदी जी की, तो हमने उनको तब भी जितवाया था, अब भी जितवाया है, तो हमें कौन सा, हमें कब जितवाएंगे, हमारा रिजल्ट कब मिलेगा? सर कहते हैं कि जो है कि योग्यता की कमी है, अरे योग्यता कैसे पता चलेगी? आप जब तक रिजल्ट नहीं देंगे, जब तक भर्ती पूरी नहीं कराएंगे, जब तक रिजल्ट नहीं देंगे, तो हमको पता तो कैसे चलेगा? ये इधर देखिए आके, ये हाल है, बिल्कुल देखिए, ये पूरा इनके पास ब्यौरा मौजूद है, उत्तर प्रदेश अधीन 2016 2018 की 2019 की 1 2 3 4 5 21 का वो एक दिख रहा है, 22 का कहाँ काम किया है हमें बताओ, काम किया अगर हमारी पहली वैकेंसी है, 16 की वैकेंसी 6 साल हो गया है, 18 की वैकेंसी 4 साल हो गया है, उसके बाद की जो वैकेंसियां हैं आप देख लीजिए उनको पूरा कर दिया गया ये है। और ये क्या है, ये सरकार कह रहे रोजगार दिया तो इनमें से कैसे खा लिए, ये दिखाइए ना, ये आपको प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ है ये आयोग का। नहीं,
और कई सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो इसमें मेंशन ही नहीं है ना। 2018 वाली वीडियो का वैकेंसी देखिए, इनका पेपर में धांधली होने के कारण उसको रद्द कर दिया, और तमाम ऐसी वैकेंसियां हैं 2016 के बाद जो देखिए 2021 की वैकेंसी पूरी हो गई, 2016 की वैकेंसी से पूरी नहीं हो पा रही है। ये लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं, लेकिन जो आपके सामने ये लोग प्रूफ के साथ बैठे हुए हैं, देखिए प्रूफ है ये, इसको कोई नहीं झुठला सकता, इसको ये प्रूफ है, इसको हमें आयोग बताए ना उसने कितनी वैकेंसी सकता। आपने अपने से ही बैनर बनवा लिया, देख ले नेट पर देख ले, हमने पेपर दिया है, हमने पेपर दिया इसका, दिसंबर में पेपर दिया 16 वाला, अप्रैल में पेपर दिया 18 वाला, कैसे कर देंगे, झूठ बोल देंगे, झूठ कैसे बोल देंगे। 2016 में अभी उन्होंने 2016 यदि आपके बातों में सच्चाई है तो बड़ी मीडिया आपके पास क्यों नहीं आती, मुझे ये नहीं सवाल। अब मीडिया हम नहीं कह सकते, मीडिया बिकी है, हम नहीं कुछ इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, सरकार के दबाव में है, नहीं पहुंच पा रही होगी संभवतः, हमारी बात वहां तक नहीं पहुंच, जहां तक बड़ी मीडिया आपकी बात को नहीं उठाना, जहां तक पहुंची थी वहां तक हमारी, हमने आयोग में धरना दिया, आयोग में हमने जाकर हमने क्या कहते हैं कि ज्ञापन दिया, मीडिया ज्ञापन दिया, लेकिन हमारी प्रमुखता खबर नहीं छापी गई, कोई नहीं छापा, नहीं छापी गई हमारी खबर, पूरे परसों भी गए शाम को, हमने हर जगह ज्ञापन एक एक देके आए। अभी आप बता रहे थे, अभी आप बता रहे थे कि बीजेपी का कोई ऐसा लीडर नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं जिससे मिले नहीं, क्या पत्रकारों से भी बड़े बड़े चैनल वालों से मिले? बड़े बड़े चैनलों, मैंने परसों शाम को मैं गया, मैं और एक दो मैम, ये मैम गई, हम लोग सबके संपादक महोदय के नाम पे डाल के उनके चिट्ठी बॉक्स में डाल के आए, परसों में वो कोई संपादक महोदय नहीं मिल पाए थे, कल भी हमारे लोग गए कि हमारी मुलाकात हो जाए उनसे और वो हमारी कवरेज करने आए, लेकिन यहाँ पर कौन दिख रहा है आपको, देख लीजिए कौन है कौन नहीं है, और इसके लिए इसमें कोई भी झूठ हो तो बताइए हमें, ये सारी सी चीजें सच है। जूनियर अभी अभी उन्होंने चार चार रिजल्ट जारी कर दिए, वो बताए उन्होंने ज्वाइनिंग दिलवा पाई है किसी को, प्रोविजनल तो तुरंत दिखा देती है, जैसे ज्वाइनिंग होता दिखा देती है, वो तो दिखा, कोई ज्वाइनिंग नहीं है इनका, तीन पिछले पांच साल है, वो जो मीडिया दिखाती है ज्वाइनिंग वो क्या है, मीडिया ज्वाइनिंग कुछ नहीं दिखाती है, मीडिया तो आंकड़े बताए हमको, आंकड़े आपके सामने है, आंकड़े आपने 2021 के पिट, 2021 से पिट से कितनी भर्तियां आई और कितनी ज्वाइनिंग मिल गई, अब तक कितनी ज्वाइनिंग मिल गई, कभी नहीं, एक भी नहीं गया, उनके पेट घुसा है, उनके पेट करवा लो, हर साल पेट करवा लो, पेट से क्या हो गया, पिछली पेट से कितनी वैकेंसियां निकालनी और कितनी ज्वाइनिंग दिलवा दी हमें बताएं, एक तो साल में यहां से निकल कर बाहर जाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम विधानसभा गिरने जा रहे हैं, कोई आया अभी तक बात करने के, कोई बात करने नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं मिला हमें, कोई आश्वासन नहीं, वो आश्वासन नहीं से जीते चले आए, आज हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है, आज 11वां दिन है हमारा, आश्वासन ही की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, अंतिम भर्ती है हमारे, हमारा कभी होगा भी नहीं, 35 साल का हो गया हूँ, ये हमारी अंतिम भर्ती है, 14 में डिप्लोमा किया, 18 में वैकेंसी है, 18 में फॉर्म डाले, पेपर दिया, 22 में आके पेपर दिया, ये जिंदगी है हमारी। सर ये आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग जब हमसे पूछते हैं तो जाके आयोग से या योगी जी से भी तो पूछे कि बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं तो क्या कर रहे हैं आप लोग, उस पर क्या एक्शन लिए। अभी यही कोई मंदिर या मस्जिद का बात होता तो बड़ी बड़ी मीडिया यहाँ कवर करने आ जाती है, आराम से आ जाती है, बहुत अच्छे से कवर करती है, 24 घंटा यहाँ मंदिर मस्जिद पूरा उनका ब्रेकिंग न्यूज चलता, और हम लोग यहाँ 12 दिन से बैठे हुए हैं, अभी तक कोई बड़ी मीडिया ना ही कवर करने आई हमें, बल्कि हम लोगों ने उनको अपना विज्ञापन भी दिया अपना, यानी आपका कहने का मतलब यह है नौजवान युवाओं की बात हो तो मीडिया नजर नहीं आती, लेकिन अगर मंदिर मस्जिद की बात हो तो मीडिया यहाँ नजर आ जाए? नहीं बिल्कुल आती है, अभी हम लोग हमेशा देखते रहते हैं ब्रेकिंग न्यूज पे, अभी कोई नौटंकी करना हो तो वो ब्रेकिंग न्यूज उनका चलता है, और ये 1,20,000 युवाओं का जो है भविष्य दांव पे लगा हुआ है, कोई मीडिया यहाँ नहीं आई देखने, और यहाँ तक कि हमारे खबर को छापने से इनकार कर दिया, हमने उनको दिया परसों, हम लोग हर संपादक से मिले बड़ी बड़ी मीडिया के, सबको विज्ञापन दिया, आने का निमंत्रण दिया, लेकिन यहाँ कोई आपको दिख रहा है? जैसे आप बता रहे हैं बीजेपी के सारे बड़े लीडर से आप मिले, मीडिया के भी संपादकों से मिलिए, एडिटरों से मिलिए, और उनसे कहिए कि मेरी खबर को प्रमुखता के साथ उठाएं। सर मीडिया में जितने भी बड़े अखबार है सबके संपादक से हम लोग मिले, सबके पेटी में हम लोग जाके अपना लेटर डाले, प्रेस विज्ञप्ति डाले कि सर हमारी मांगे पूरी कर, हमारे लिए हमारी आवाज उठाने आओ, हमारी आवाज को वहां तक पहुंचा, लेकिन अब तक वो भी वहां से कोई नहीं आया, लगता है सबके सब बिके हुए हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। आप देखिए आप कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, हम लोग एक दिन नहीं दो दिन गए थे, हर प्रेस वाले के यहाँ दो दिन गए थे, चाहे नवभारत टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे दैनिक हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे आईनेक्स हो, हम लोग हर जगह गए थे सर, दो दिन चक्कर काटे। नौजवानों के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है, इनके पास सिर्फ विज्ञापन के लिए, जुमलेबाजी के लिए है, इनके पास सिर्फ झूठी नौकरियां जो आसमान से टपकती है, पता नहीं कहां गिरती है, सिर्फ उसके लिए इनके पास जगह है, हमारी मांगों को उठाने के लिए इनके पास अखबार में जगह नहीं है कहीं। हम लोग की बात बाबा संत है वो सुनेंगे, उनके पास जाइए, बाबा से हम लोग को
मिलने ही नहीं दिया गया, कभी हमसे बाबा मिले ही नहीं, बोले कि हम ही मिलते हैं, उनके असिस्टेंट से मिले, बोले आपकी बात पहुंच जाएगी। हम लोग एक दिन नहीं गए, दो दो तीन दिन गए, सबके मंत्रियों के दो दो तीन तीन दिन गए, हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन किया कि सर हमारी मांगे पूरी करो, सर हमारी बात को पहुँचा दो आयोग तक। तो देखिए, मन की बात करने के लिए मोदी जी के पास समय रहता है, लेकिन रोजगार देने की बात आती है युवाओं की तो समय नहीं रहता है। कैमरामैन मसरूफ के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।